इस केस में अगर कोई केस कैसा है, पुल्ली का केस है, तो पुल्ली के केस में हमको जब एक्सेलरेशन निकालना रहेगा, समान लो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, तो मान लो जैसे एक धागा है, इन धागा के सहारे एक M1 नाम का और दूसरा M2 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, जिसे हमने मान लिया कि M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 बड़ा है, M1 इज ग्रेटर देन M2, ये हमने माना। इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M1 को मैंने देखो निकाल के यहाँ पर रखा, जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखोगे धरती पे या धरती से कहीं पे कुछ ऊंचाई पर रखोगे, तो M1G नाम का फोर्स नीचे की ओर लगेगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये स्ट्रिंग है, ये धागा है, उस धागा में एक ही फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स मैंने लिख दिया। दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2 का, तो M2G नीचे और R ऊपर। अब जब ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाएगा और M2 ऊपर की ओर जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ M1G-R, क्योंकि ये ज्यादा है और ये क्या कम, तो M1G- हो गया R बराबर नेट फोर्स M1A। यहाँ पे R का वैल्यू जो है, यानी टेंशन फोर्स का वैल्यू जो है ज्यादा है, R-M2G=M2A। दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो कॉमन है, इधर जो कॉमन मैंने ले लिया, यहाँ से सॉल्यूशन निकल गया। अगर सिमिलर में क्वेश्चन दे दिया गया कि F M1 = 10 kg, M2 = 20 kg एंड A का वैल्यू क्या होगा, जहां पर हमारा G का वैल्यू कितना 9.8 m/s² है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप पहले कंसेप्ट के पास जाइए, बिना कंसेप्ट का बनाओगे तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहीं पे, आप बने रहिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना अटपटांग देता है, क्लास 9 या 10 का जो क्वेश्चन है वो जब आप NTS का एग्जाम दोगे, NTS का मतलब पता नहीं समझ पा रहे होगे राहुल जी, है ना, NTS का मतलब बोलो, वो जानता है इसमें, जानते हो जी, कोई नहीं जानता क्या, हाँ ठीक है भेज दो, अरे शिष्य होता है था, पानी देना पड़ा थोड़ा सा, उसको रोक करके रखो वीडियो को, थोड़ा सा रोको ना, रुक गया। देखो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, जिस रास्ते से मान लो यहाँ पे कोई राइट है बाबू, ठीक है ना, यहाँ पे कोई राइट है, ये राइट ए नाम के स्थान से चलना शुरू किया, कहाँ पहुंच गया, बी नाम के स्थान पे पहुंच गया। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो जिस रास्ते से आप चलोगे ना, उस रास्ते का जो लेंथ है उसको नाप दो, मेजर कर दो, उसे क्या बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी क्या कहता है कि जो मिनिमम दूरी है ए और बी के बीच में, जो मिनिमम दूरी है, तो आप तिरछे होकर चलिए ना, सीधे सीधे तो पहुंच गए यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चंस जब करेंगे आपसे कोई, जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सपोज किसी ने रेक्टेंगल बना दिया या कोई स्क्वायर बना के रखा है, ठीक है ना, ये आपका रेक्टेंगल है, ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड बराबर होता है, मान लो ये 10 मीटर है बाबू, तो ये भी 10 मीटर होगा ना, ए बी सी और डी। अगर डिस्टेंस के लिए बात करेंगे हम लोग, डिस्टेंस ए से बी के बीच में कितना होगा, तो 10 मीटर होगा, ए से सी के बीच में कितना होगा, तो देखिए चलिए पहले पैदल चलना है आपको, ए से सी क्या होगा 10 + 10 = 20 मीटर, आपको ए से डी चलना है तो 10, 20, 30 कितना हो गया बाबू 30 मीटर, ए से ए चलना है ओबियस सी बात है एक राउंड आप पूरा मार लिया आपने, तो कितना मीटर हो गया 40 मीटर। ये आसान सा है क्वेश्चन, ये बन जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट के केस में आपके साथ दिक्कत होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, मिनिमम तो ए से बी अगर चलोगे, डिस्प्लेसमेंट का केस है यहां पे देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए ए से बी आपको चलना है तो 10 मीटर हो गया बाबू, लेकिन जब आप ए से सी चलोगे ना, तो ये वाला इसको मेजर करेंगे, जो डायगोनल है उसको मेजर करेंगे, यहां पे आपको लग रहा है कि ट्रायंगल बन गया है, तो इसका इसका ऐड करेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा ना, हाइपोटेनस निकाल लेंगे
कैसे निकालेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो टेन का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर रूट में गया, यानी क्या हो जाएगा टेन रूट टू। रूट टू का वैल्यू आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो रूट टू लिख देते हैं, रूट टू का कोई वैल्यू नहीं, रूट टू का वैल्यू आप निकालिए ये याद रखिए जितना वैल्यू है, और 10 में रूट टू का वैल्यू से गुना करोगे वही आंसर है। सपोज अगर कोई दे दिया सर्किल बना दिया बाबू जिसका कि रेडियस 7 मीटर है, यहाँ पे ए बी सी और क्या है डी, आपसे पूछेगा ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से सी का कितना है, ए से डी का कितना है और ए से ए का कितना है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जब सेम पोजीशन का होगा ना तो ए से ए का कितना होगा जीरो। अब ए से चलना शुरू किया तुम पहुंच गए सी पे तो मिनिमम डिस्टेंस सही ना होगा, सेंटर से तुम पास कर जाओगे, ए से सी का कितना हो जाएगा 14 मीटर। अब बाकी ए से डी और ए से डी के लिए आप केडी फाउंडेशन पे बने रहिए और मजा लीजिए, ठीक है ना, केडी फाउंडेशन पे आप बनिए तभी ना समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कभी कभी मान लीजिए आपके साथ होता क्या है, कुछ भी हो गया क्वेश्चन आ गया पता नहीं चल रहा है, मान लो आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, ब्रांडेड स्कूल में पढ़ो चाहे नॉन ब्रांडेड, क्वेश्चन तो आपके साथ ही भी करेगा। अब क्वेश्चन जब आएगा तो जब नहीं बनेगा तो क्या सोचते हैं, बोर्ड के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। जब ब्रांडेड स्कूल में है 10वां क्वेश्चन आज चल रहा है और नहीं बन रहा है आंसर, तो मिलता जुलता आंसर लिख देंगे, कैसा आंसर लिखोगे मिलता जुलता। लेकिन कैटेगरी अगर तुम्हारा फॉरवर्ड है बाबू तो मिलता जुलता से काम नहीं चलेगा, अगर जनरल कैटेगरी के हो बाबू तो आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, 100 में 100 नंबर लागो तभी कुछ होगा, वरना तो भांग धतरा खा के कितना लोग पढ़ रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं तो उसका मजा आपको नहीं लेना है, सीरियस होकर के पढ़िए, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है, सीरियस होकर जनरल कैटेगरी। आप अगर नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो नीट का एग्जाम जो टोटल मार्क्स होता है ना बाबू वो 720 नंबर का होता है, कितने नंबर का होगा टोटल मार्क्स कितने का होगा 720। अगर आप इसमें से 588 नंबर लाइएगा ना तो अब आपको एमबीबीएस मिलेगा। अब 588 नंबर लाने के लिए ना आपको 7वां क्लास से पढ़ना पड़ेगा, 7वां क्लास से आपको नीट का तैयारी करना पड़ेगा और जेई का तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही इंजीनियर भटक रहा है आपके शहर में, भटकते रह जाओगे। अगर अच्छा नहीं लाओगे जनरल में 90% अगर आपका नहीं आया तो आप भटकिए, और नीट में अगर 588 नहीं आया, 588 नंबर जिसका आता है ना बाबापुरी मेडिकल कॉलेज मिलता है, मरीज कम डॉक्टर ज्यादा वहां आपको मिलेगा, इसलिए अभी 7वां क्लास से पढ़ना शुरू कीजिए और फाउंडेशन का मजा लीजिए, ठीक है ना, फाउंडेशन का मजा लीजिए। थैंक यू।